ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। हम तो आए ही माखन मिश्री खाने के लिए और तुम तो हमारी पोल खोलने के लिए आए। मैया बोली, बाबा कहा भयो बताओ ना। अब बोले कहां से, नीचे तो दाढ़ी पकड़ी हुई है। बार बार इशारे में कह रहे, बाबा पोल खोल दे तो देख ली। बोले मैया तेरो ही जो छोरा है वो सबको बड़ो लाडलो होगो, सब ब्रजवासी के प्राणन को प्यार होगो। बोले यही बात को तुमने आंख बंद करी और आपने नाम की बात कही तो आप ध्यान से सुनिए। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्माण रूपाणि तान्यं वेद नो जनः। वैसे मैया इनका नाम होगा कृष्ण। यशोदा बोली, हम पे तो लेवेना है, कैसा नाम है, कहा नाम बताया बाबा कृष्ण। बोले कृष्ण, बोले आपको अर्थ तो बताओ, मतलब का हो कृष्ण को। बोले कर्ष इति कृष्ण, जो सबको अपना बना ले, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर दे उसको बोलते हैं कृष्ण। मैया बोली, आगे चल के हमारा छोरा कहा करेगा, जो तो बता दो। बाबा बोले, मैया कहा बताऊं, रंग रूप में सुंदर होएगो, बड़ो नाम करेगो, लेकिन एक ही काम गलत रहेगो आपको। मैया बोली, कहा। बोले ये बहुत बड़ो चोर निकलेगो। मैया बोली, हे भगवान, हमारे कुल खानदान में तो आज तक कोई चोर ना हुई, कहां थे चोर है गो। अब मैया या चीज तुम जानो, तुम्हारो काम जाने। लालाओं को नामकरण संस्कार करके चले गए, लेकिन एक बात याद रखना, पत्राशी पंडित जी चाहे कैसे नाम रख दें, लेकिन मैया जो होती है ना अपनो नाम अलग रखेंगे। मैया सोदा बोली, बहन रोहिणी, ये नाम तो दोनों बड़े अटपटे से, हम तो बड़ी बूढ़ी, हम पे तो लेवे ना आए, एक काम करें, इन बालकन को हमू नाम रख लें कछु। रोहिणी बोली, बहन तुम ही बताओ कहाँ नाम रखना चाहिए। बोले देख, या कार हो या को नाम तो रहेगो कनुआ, और ये ना या को नाम रहेगो बलुआ। मैया यशोदा ने प्यारे के नाम रखे कलुआ और बलुआ। धीरे धीरे बड़े होने लगे। कालीन ब्रजताल पेन गोकुले राम के सबो जान अभ्याय से पाड़ भ्यां रिंग मारो जिहात हूं। मैया यशोदा दोनों को जंगोली पहनाती है, पायलों में पायलिया पहनाती है और उंगली पकड़ पकड़ करके चलना सुनाती है। बड़े प्रेम से लाला जब घूमते हैं झूमते हैं, ब्रज की गोपियां देख देख करके मोहित हो जाती हैं और आपस में करती हैं, अरी बहन काऊ तरीका से एक बार आके यहाँ जानो चाहिए, जा गली से निकल जाएं, सब आनंदित हो जाएं। धीरे धीरे लाला बड़े होने लगे और सुनो, कन्हैया के सखाएं श्रीदामा सुमंगल तोष मदमंगल, आज मेरे गोविंद ने सबको बुलायो और सबको बुलाए के नैया कहा, कह रहे हैं उम्र है 3.5 वर्ष की, कह रहे हैं भैयाओं बिना कछु काम करे समय पास ना हो, कछु काम करना चाहिए। श्री दामा बोले, बात तो सही कह रहे हो कन्हैया, कहा काम करना चाहिए। कन्हैया बोले, अब चोरी चोरी खेलेंगे। श्री दामा बोले, हमें मालूम ही दारी की तू ऐसे ही काम करे। मथुरा वाले पंडित जी आए, उन्होंने कही, यशोदा तेरो छोरा चोर होएगो, वही काम कह रहे, वही आएगो सामने। कन्हैया बोले, सुनो हम चोरी काऊ के धन की थोड़ी करेंगे, माखन की चोरी करेंगे, और वो माखन की चोरी हो तुम्हारी वजह से कर रहे हैं, तुम्हारो पेट देखो पीठ में लग रहा है, सबरे धन गाय चराबे को जामे ब्रज के वाला, और सुबह दिन निकलते ही मैया मटकान में ले जाए माखन, जाए कि नहीं बेक दे मथुरा में और माखन खामे मथुरा के लाला है, गाय चराबे को ब्रज के ग्वाला और माखन खामे मथुरा के लाला। अब हम अगर माखन स्वयं खा जाएंगे तो मथुरा तक तो पहुंचेगा ही नहीं। मधमंगल बोलो, यार बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जो तो बता चोरी करेंगे कौन के यहाँ। बोले, अपने अपने घर में शुरू करो, पहले अपने घर करोगे जब ही तो पता चलेगी कि पास होए का फेल होए। हाँ, सब ने चोरी करी, अब कोई पकड़े हो गयो, काऊ में मार पड़ी, काऊ में बांधे हो गयो, काऊ पे दंड करवाई, सब दंड मिलो।
सब आ रहे हैं, सबने मुंह लटका रखे। कन्हैया बोले कहा भयो? बोले भैया पूछे मत, बड़ी मार पड़ी है। कन्हैया बोले तुम्हें एक काम बतायो, और तुम पे वो एक काम हो ढंग के नहीं भयो। श्री धामा बोले भैया जब तक प्रशिक्षण नहीं मिलेगा जब तक कामयाब कैसे होंगे? मंडली को ही गठन कर लियो, ट्रस्ट बना लियो, मंडली को गठन करो और मंडली को नाम का रखियो मालूम है। बोले भैया तुम ही बताओ। बोले बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। क्या नाम रखा है? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। और अध्यक्ष बना दिए श्रीमान जी। प्रेम से बोलो राधे। अब माखन चोरी की लीला प्रारंभ हुई है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यानी यानी है गीतानि तद्वाल चरतानि तहं। भगवान की लीला जो है ना यही भजन में याद की जाती है। अब देखो किसी के बछड़े को खोल देते हैं, किसी के यहां से माखन चुराते हैं, किसी की मटकी को चोर ले जाते हैं, पूरे ब्रज में आतंक मचाया है। ब्रज की गोपियां इकट्ठी हुई अपने अपने द्वारों पर और मैया यशोदा के पास जाने लगी। मैया यशोदा ने देखा मेरे घर में कोई सत्यनारायण की कथा नहीं, मेरे घर में कोई एकादशी का व्रत नहीं, करवा चौथ का व्रत नहीं, ये ब्रज की गोपियां कैसे इकट्ठी आई? मैया यशोदा ने कहा बहन आपका स्वागत है, आप यहां पर आई, लेकिन आपके आने का कारण तो हमें पता नहीं है। ब्रज की गोपियों ने देखा अभी जाते हम मिलवे आए या देखवे आए वो तो दिख ही नहीं रहो। एक ब्रज की गोपी बोली मैया बता, मैं कहा पहले जो बता तेरा छोरा कहाँ है? ब्रज की गोपी ने की जैसे ही आवाज सुनी परीक्षित निकल के आ गए श्रीमान जी और मैया के पल्लू को पकड़ के ऐसे खड़े हैं जैसे कितना डर लगता है। मैया बोली आए गए तुम? बोले हाँ। मैया बोली यशोदा तेरो ये जो छोरा है ना? मैया बोली हाँ। बड़ो शरारती है, रोजाना जाए कि नहीं है मेरे बछड़ान को खोले। मैया बोली बहन काम ही तो करे बछड़ा खोलवे को तो एक काम घट जात हो तेरो। बोले ना है मैया बत्सान मुलसान उचित समय क्रोश संजात हास। जब तक मैया में गायों का दूध नहीं निकालती उससे पहले ही बछड़ों को खोल करके दूध पिला देता है। मैया बोली चौरे ये क्या कह रही है ब्रज की गोपी? तोतली वाणी से बोले मैया ये सब ब्रज की गोपियां धूत बोलती हैं। मैया यशोदा बोली हाँ ये तो मुँह मालूम है, हरिश्चंद्र मरवे के बाद में मेरे घर में जन्म लेके आयो। हाँ दूसरो हरिश्चंद्र मेरे ही घर में पैदा हुए हो। मैया बोली बहन एक काम करो, कावना दारी के पकड़ के बांध दो और जब फिर मोह ले जाओ मैया की हड्डी न तोड़ दो। एक गोपी बोली यशोदा कैसे बताऊं मैं तो भी? परसों के दिन ग्वाल वालन को लेके गनिया गए और जाने जैसे ही मेरे घर में जाए कि नहीं है बछड़ा को खोलो, मैंने याकू पीछे तो पकड़ लियो और एक वृक्ष से याकू बांध दियो। अब जैसे ही मैंने याकू बांधियो तो मेरो मन बड़ो प्रसन्न होयो, आज पकड़ में आए हो यशोदा रोजाना के ही काउन रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ, आज मैं यशोदा बुलाए के लाऊं, बहन में आई तो मैंने आए के देखियो तो तेरे आंगन में खिल रो। अब मैंने देखियो ये तो खुल के आएगा, मैं तो शर्म के मारे दबे पैर लौट के चले गई। और जैसे ही मैं गई मैया जाए के नहीं देखियो तो भाई वृक्ष से बंधे पायो, मैं तो चक्कर खा के गिर गई। मैया बोली कोई जादूगर है मेरे छोरा? मैया बोली अब पक्का विश्वास है तुम सबरी की सबरी झूठी है, ऐसो तुम है सके कि एक बार छोरा माऊ बंद रहो और झाऊ आ जा। तू बता रही तू कैसे आई? बोले मैया कहा बताऊं तेरो छोरा रोजाना जाए कि नहीं है मेरे माखन को चुरा ले जाए। यशोदा बोली बहन या खाने पीने की वस्तु की शिकायत करवे से पहले तू कुछ शर्म नहीं आई? कितनों माखन खा तो होएगा मेरो लाला, 100 ग्राम 50 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम जितनों खावे बात चार गुणों तू मेरे घर ते ले जा।
गोपी बोली यशोदा तेरो छोरा एक किलो खा जाए जब कहा परेशानी, पर तेरे छोरा के जो उदम है मन की मालूम है तुम। परसों के दिना गली में से जा रहा हूं, मुंह को बड़ी प्रसन्नता हुई, आज तो लाला मेरे घर आए हो। मैंने कही लाला थोड़ा अंदर को आओगे? वो तो बोले हाँ भाभी जी जरूर आऊंगे। मैंने सुंदर आसन लगाया, आसन पे बैठाया बाकू और थाली में सुंदर माखन लेके आई और मैंने चौकी पे रख के माखन परोसे। बोले लाला आज तुम माखन मेरे घर को खाओ। मालूम है यशोदा आसन छोड़ के नहीं है, दूर खड़े हो गए कमर पे रख ले हाथ और हम तो बोले हे भाभी भिखारी समझ रहा है मेरे घर में 9 लाख गाय इतनो इतनो मेरे घर में माखन हो तो हमें भिखारी समझ रही है। यशोदा मैं तो देखती रह गई। मैंने कही चोरे फिर तू चोरी काई को करे? तो दौड़ते हुए बोले भाभी चोरी की चीज में मजा ही कछु और आ। ऐसे याद के उदम बोले बहन एक काम करो माखन को थोड़ा ऊपर टांग दे करो। बोले मैया यू काम करके देख लियो, अकेल हो तो चले बंदरों बुला रखे बंदरन की टोली। राम जन्म में जन बंदरन ने संग दियो आज सब बुलाए। बोले भैया आओ चकाचक माखन खाओ, ज्यादा ऊपर करें तो बंदर माखन निकाल के लिया नीचे दे दे। एक गोपी बोली मैया देख तेरे छोरा की वो बताऊ मैं कहानी। मैंने घर में छीकी छीके पे मटकी और मटकी के नीचे घंटी टांगी काई को। बोले तेरो लाला आवेगो मटकी को जैसे स्पर्श करेगा तो घंटी बज जाएगी और घंटी बज जाएगी तो हम बाकू पकड़ लेंगे। ग्वाल वालन को संग लेके आयो यशोदा और आए के नैया एक दूसरे की पीठ पे चढ़ गए और सबसे पहले घंटी से बोले ओए घंटी तो बजनो ना आए। अब मालूम तो हमको चल गई यशोदा लेकिन हमने देखियो कि घंटी हुआ की बात माने का। शब के ऊपर पीठ पे चढ़ गए और चढ़ के नहीं छीको पकड़े घंटी नहीं बजी। मटकी के ऊपर से ढक्कन हटायो तब वो घंटी नहीं बजी। मटकी में हाथ दियो तब वो घंटी नहीं बजी और हाथ में माखन लेके नहीं है जैसे ही मुंह की तरफ खाने को चले तो घंटी बज गई। अब जैसे ही घंटी बजी तो जोर से चिल्लाते हुए बोले ए घंटी हमने बजने के लिए तुमसे मना किया था तुम क्यों बजी? मैया पीतल की घंटी बोल पड़ी। पीतल की घंटी कहती है गोविंद आप प्रसाद ग्रहण करना चाहते थे तो मैंने कहा मैं ही क्यों देर करूं मुझे तो बजना ही पड़ेगा। मेरे प्रभु प्रसाद तभी ग्रहण करेंगे तब मैं बजूंगी तो मैंने तो अपने सारे नियम तोड़ लिए। गोविंद तुम भोग लगाओ और मैं ना बजू ऐसा तो ही नहीं सकता। मैया सोदा बोले हे भगवान एक काम करो बहन या को अंधेरे से बहुत डर लगे अपने माखने अंधेरे में रख दे करो। एक गोपी बोली मैया तू तो कहा बताऊं या अंधेरे में डर लगे? बोले हाँ अंधेरे में या हुआ तो डर लगे। बोले यशोदा तेरे छोरा दे बड़ो कोई हुआ ना है। मेरे घर में गयो मेरे घर में ना कोई गाय ना भैंस तो माखन ही कहां ते हो। चारों तरफ ढिंडोरा मचायो कहूं माखन नहीं मिलो तो घर के द्वारे पे ठाड़े एक नहीं है। मैं भजन कर रही तुम वो देख के गारी देवे लग रहो हे भगवान सत्यानाश जाया घरवार इनको कुआं में गिर जाए भाड़ में निकल जाए घर में माखन नहीं है सो घर तो कबू नहीं होना चाहिए। मैंने कही बालक है कोई बात नहीं है अब घूमतो एक बड़ो भीतरो एक मेरो कमरा व कबरा में चले गो और वह कबरा में खाट पे मेरी छोरी सो रही। अब मेरी जो बेटी है ना बाके बाल बड़े लंबे लंबे गयो जाए के नहीं है मेरी बेटी की चोटी खटिया की पटिया ते बांध दे और चोटी खटिया की पटिया ते बांध के नहीं है अंधेरे में मेरी बेटी के कान में बोलो हुआ। जब ऐसे कही तो मेरी बेटी छटपटा के खड़ी हुई यशोदा और जैसे ही मेरी बेटी खड़ी हुई तो अति चोटी खटिया की पटिया ते बांध रही तो वो चोटी खिंची। मेरी बेटी ने समझी आज मैं हुआ ने पकड़ ली मैया हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैंने आवाज दी बेटी कोई हुआ ना आए ये यशोदा को छोरा ही हुआ बन के आए हो।
तेरी, कब तक मैं शिकायत करूं मैं इसकी मैया। एक शिकायत हो तो मैं करूं इसकी। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, एक सखी का नाम है प्रभावती। प्रभावती ने कहा बहन तुम लोग सीधी सादी हो इसलिए तुमसे झगड़ लेता है, अगर मुझसे मेरे यहां चोरी करे तो पता चले। लाला ने कहा भैया अब तो कल चैलेंज की चोरी होगी भाभी प्रभावती के घर में। प्रभावती ने भी तैयारी करी, अपने आंगन में सुंदर माखन की मटकी को रख दिया और माखन की मटकी को प्रभावती ने जैसे ही रखा ग्वाल वाल गए, ग्वाल वालों ने देखा चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा, माखन की मटकी भी बिल्कुल चौड़े आंगन में रखी है। सखा बोले लाला मुको ऐसो लगे आज तो भाभी प्रभावती पर कोई गलती है गई, चौड़े में मटकी रखी है और भाभी प्रभावती यहाँ पे है नहीं। कन्हैया बोले तुम जाओ। धीरे 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 सखा गए, सखा माखन खाने लगे लेकिन प्रभावती निकल कर नहीं आई, क्योंकि प्रभावती मन में विचार करने लगी जिसको पकड़ना आए वो तो यहाँ है ही नहीं। ब्रजवासी ग्वाल वाल बोले लाला कन्हैया आज तो प्रभावती भाभी पर कोई भूल है गई, कोई ना भैया आ जा चकाचक चलेगी। कन्हैया बोले ऐसे नहीं तुम द्वारे पर आओ। ब्रजवासी सखा द्वारे पर आए परीक्षित, और जैसे ही मेरे गोविंद ने प्रवेश किया तो प्रभावती ने दौड़ करके गेट कर दियो बंद और लाला को हाथ पकड़ लिया। आज पकड़ में आए हम, आज तो कुछ छोड़े वारे नहीं। कन्हैया बोले आज फंस गए। और पता है क्या कहा कन्हैया ने, प्रभावती तू, प्रभावती बोली मतलब तू मेरे घर में कहा कर रही है। प्रभावती बोली सुन ज्यादा बनाओ मत मेरे घर है। अरे प्रभावती आज तो बहुत बड़ी भूल है गई, अब देख तेरे घर को दरवाजा और मेरे घर को दरवाजा एक जैसा है। प्रभावती बोली चलो दरवाजे की बात तो मान ले, फिर तेने माखन की मटकी में हाथ क्यों दियो। लाला बोले तो को नहीं मालूम भाभी। बोले नहीं, बोले मेरे हाथन में ये जो सोने के कड़े है ना ये धूप में गर्म है जाए, तेरे आंगन में जैसे मटकी रखी है ना ऐसे ही मेरे आंगन में वो मटकी रखी है ना, तो विश्वास चल के देख ले ये तो धोखो है को। ऐसो ही दरवाजा दूर से मटकी देखी मैं दौड़ के चले आयो, क्योंकि मेरी मैया आंगन में मटकी धर के राख है, मैं खेल के आऊं तो मेरे कड़े गर्म है जाए, वरना मैं एकदम आए के नहीं है माखन की मटकी में दे दूं या शीतल है जाए। प्रभावती बोली आज चाहे तुम कछु करो एक नहीं चलने दूंगी, तेरी मैया बड़ी के कावदना रंगी हाथ पकड़ के दिखाओ तब काम चलेगा, आज मैं तो कु पकड़ के ले जाऊंगी तेरी मैया के पास। मेरे गोविंद बोले भाभी कछु ले दे के फैसलो कर ले। बोले हाँ लाला ये बात तो माननी पड़ेगी, फैसलो तो है जाएगा। बोले कहाँ, बोले हमने तेरे बड़े कारनामा सुने, तुम नाचो बहुत सुंदर हो, तुम नाच के दिखा दे तो यहाँ पर बड़े सुंदर भाव से वर्णन किया है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतन ध्यान, जाहे अनादि अनंद अखंड अखेद अवेद सुवेद बतान, ताहे अहीर किछो हरिया नारद से सुख व्यास रटे पचिहार तो पुन पार न पामे, ताहे अहीर की छोहरिया सचियावर चाच प्रणाच न जाम। जिसके आदि का अंत का और मध्य का पता नहीं है आज ब्रज की गोपी लालाओं को नाच नचा रही हैं, और जब गला सूखता है तो छाछ दे देती हैं और कहती हैं लाला और नाचो। पूरा दिन निकल गया। बोले बस भाभी अब बस की नहीं है हमारे, अब नहीं नाचेंगे, आपको जो करना है कर लो, अब हम नहीं नाचेंगे, तुम हमारी क्या शिकायत करोगी। प्रभावती तुम्हारी शिकायत तो हम करेंगे मैया से।
प्रभावती बोली चाहे कछु कर लो मैं मान व्यवहारी थोड़ी हूं। प्रभावती ने पकड़ो लाला को हाथ और सीधो लेके चल दी। कन्हैया मन में विचार करने लगे आज बचने वाले नहीं। मेरे गोविंद ने कहा अरे प्रभावती तेरे जैसी बेशरम भैयर मैंने कोई नहीं देखी। प्रभावती बोली कहा भाई गो। बोले देखियो ब्रजवासी अपने अपने द्वारन पे बैठे और तेने अपनो थूतरो उगार रखे हो तो कुछ शर्म ना लग रही। प्रभावती बोली लाला बात तो सही कह रहे हो। और तुरंत प्रभावती ने अपनो ढाई हाथ को घूमट मार लिया। हाँ एक बात कहूं माताओं को भगवान ने ये घूमट की सौदा बड़ी गजब की दी है। इसमें बड़े बड़े काम बन जाते हैं। कोई मर जाए चाहे रोना आए या ना आए आंसू कौन देखने वाला है। घूमट लगा हुआ बड़े बड़े स्वरों से रोती है। बात भी करनी है कथाओं में चले जाओ बात करनी है तो घूमट लग रहा है कौन से ब्यासे जी देख रहे हैं बात चलती रहती है, है? प्रभावती ने भी ढाई फुट का घूमट मार लिया परिचित और धीरे धीरे आगे लाला का हाथ पकड़ कर चलने लगी। इधर प्रभावती का देवर आया दूर से इशारा करने लगा कहा है गो भैया है गूंगो जाने गूंगे की भाषा। कन्हैया ने इशारे में कही सुन रहे भैया तेरी भाभी ने हमारा भोजन को निमंत्रण दियो। अब हमने तो भोजन कर लिया अपने घर में पेट में जगह नहीं है लेकिन तेरी भाभी ने मेरा हाथ पकड़ कही है कि रसगुल्ला तो खवाए कहीं छोड़ूंगी ले जाऊंगी आज रसगुल्ला खवाए के छोड़ूंगी। अब यह बात पे प्रभावती के देवर के मुंह में आएगा पानी। माने सारे करो भैया ने हमारा नंबर आ जाए तो एक आध रसगुल्ला मिल जाए तो बोले आ जा। तुरंत बाकू बुलायो और रोते हुए बोले प्रभावती तू मेरी शिकायत का करेगी तेरी शिकायत तो मैं करूंगा मैया यशोदा ते ने मेरा हाथ तोड़ दियो। प्रभावती को लगी के बालक है शायद हाथ दुख को होएगो बोली तो दूसरा हाथ लाओ अपनो हाथ हटाए के और देवर को हाथ दे दियो। और जोर से दौड़ लगाई परीक्षित और जाकर के मैया यशोदा से बोले मैया भूख लग रही है कछु माखन खावे को दे दे। मैया यशोदा बोली दारी के आज कहूं मिलो ना दी से है मुँह को ऐसे लगे कि आज कहूं माखन मिलो ना दी से। सुखदेव जी कहते परीक्षित घर में प्रभावती आई और जोर जोर से आवाज लगा रही है अरे यशोदा यशोदा बाहर निकल रोजाना तू बड़ी कही के तू छोरा का उन्हें रंगे हाथ पकड़ के देख तेरे छोरा आज पकड़ के लाई। कन्हैया बोले मैया मेरे अलावा और कोई तेरे छोरा आएगा। मैया बोली हट डारी के। मैया यशोदा द्वार पर आई बोली कहा बात है प्रभावती काई को गलो फाड़ रही है काई को जोर तहल्ला मचा रही है। बोले देख यशोदा तू बड़ी अपने छोरा की मामी पी के का उतना मेरे छोरा है हाथ पकड़ के देखा देख तेरे छोरा पकड़ के लाई। यशोदा बोली मुँह तो आज मालूम चलिए कितनी बेरुपी आओ तुम सब मिल के नहीं है मेरे छोरा बदनाम करो दारी मुँह खोल के देख तेरे पीछे कौन है। प्रभावती ने जैसे ही घूमट खोलियो और पीछे देखो तो मधमंगल ठाड़े हो टेढ़ी टांग वाले। प्रभावती ने जोर से धक्का मारे हो तेरे सत्यानाश जा तू कहां ते आएगा। बेचारी शर्म के मारे आगे आगे दौड़ के गई। कन्हैया आगे ते आए और बोले भाभी राम राम। अब बेचारी शर्म के कहा के बोले भाभी पहली बार गलती करिए अब ते छोड़ दईए आज हाथ पकड़ो तो हम बने देवर और गलती ते दोबारा हाथ पकड़ लियो तो फिर तुम्हारे खसम बन जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे। किस प्रकार से मैया यशोदा से ब्रज की गोपियां शिकायत कर रही आइए भजन के